शेयर कर रहे हैं जो आपने अपनी लाइफ में जिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है खुशियां बांटोगे तो खुशियां मिलेंगी, दुख बांटोगे तो दुख ही मिलने वाले हैं। यस सर। क्योंकि व्हाट यू गिव व्हाट यू टेक, जो आप चाहते हो जो आप लेते हो आप देते हो, जो आप देते हो आप लेते हो, ध्यान रखना। यस सर। आप कुछ भी यूनिवर्स को दोगे ये वापस भूमा पे जाके मल्टीप्लाई करके वापस आके देगा। अब इसे अच्छा बताओगे अच्छा करेगा, ये बुरा बताओगे तो बुरा करेगा। इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग सीरियसली बिजनेस को करते हैं, हमारे बीच में एक शानदार ट्रेनिंग की जाती है महीने में एक बार, एक ऐसा सेमिनार जहाँ पर हमें वो सब कुछ सीखने को मिलता है जिससे हमारा बिजनेस और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। जहाँ पर हम ये सीखते हैं कि किसी सफल इंसान ने उस सफलता को हासिल कैसे किया, उसका नाम है सक्सेस सेमिनार, जो दिल्ली में हर महीने होता है, गाजियाबाद में हर महीने होता है। सिर्फ हमें क्या करना है कि महीने में एक बार एक दिन वहाँ पर जरूर जाना है अगर सफलता चाहिए। और इसके लिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसमें करना ये होता है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो अगली बार का जो वहाँ पर टिकट मिलता है वो वहीं पर मिल जाता है, तो आपको वहाँ से दो टिकट खरीदने हैं अगली बार के। एक बार आप गए अकेले, अगली बार के दो टिकट खरीदिए। दो किसके लिए पता है? एक आप अपने लिए और एक उस नए व्यक्ति के लिए जो आपने अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर किया, वही अच्छा एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए, राइट? तो दो टिकट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद लिखा है अटेंड टू मंथली CNT anywhere। कम से कम जो दूर दराज के लोग हैं, जो दिल्ली NCR से बहुत दूर भी रहते हैं, उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं आप कि कम से कम आसपास सराउंडिंग में जितनी मीटिंगें हो रही हैं उनमें से महीने में दो CNT जरूर अटेंड करें, दो मीटिंग्स कंपनी जरूर अटेंड करें, ताकि उनके पास फोटो भी जाती रहे जो कंपनी दिन पर दिन आप लोगों को पहुँचाना चाहती है। बाकी जो दिल्ली NCR में उनके लिए कोई चॉइस ही नहीं है, हर हफ्ते संडे ITO पर सेम मीटिंग होती है, आप वहाँ आइए और आना जरूरी है। मस्त है, बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ मस्त, कोई शुड नहीं लिखा हुआ, कोई मनचाही कहानी नहीं है, मस्त। मस्त का मतलब मस्त, जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपको हर हफ्ते ITO CNT पर आना चाहिए। अगर आप वहाँ आते रहेंगे तो भी बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। इसके बाद ग्रुप मीटिंग्स को बढ़ाइए, होम मीटिंग्स को बढ़ाइए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आप उन लोगों को पॉलिश कर पाते हैं, उन लोगों को चीज़ें सिखा पाते हैं जो लोग नए आपके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म आपको सीखने का मौका नहीं देते, सभी प्लेटफॉर्म आपको प्रैक्टिकली सीखने का मौका नहीं देते। ये वो जगह होती है जहाँ पर हम होम मीटिंग्स करते हैं, जहाँ पर हम ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पर हम सीखते हैं, वहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं क्या गलती हो रही है, क्या कमी हो रही है, उसको निकाला जा सकता है, उसको पॉलिश किया जा सकता है। वो जगह है हमारी ग्रुप मीटिंग, हमारी होम मीटिंग, राइट? इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ होती है, कुछ जिम्मेदारियाँ, क्योंकि एक सफल इंसान जिम्मेदार हो सकता है और जिम्मेदार इंसान ही सफल बनता है। तो पहली जिम्मेदारी है डेली मेंटेन डायरी, एक बिजनेस की डायरी बनाइए जो सेपरेट सिर्फ वेस्टिज के लिए ही हो, उसमें कोई और बात आप ना लिखे, ना शेरो शायरी, ना दिन भर की रामकथा, ना कोई ऐसे काम जो वेस्टिज से अलग हो, सिर्फ वेस्टिज के लिए डेडिकेटेडली एक डायरी बनाइए। बन सकती है? यस सर। ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। यस सर। क्योंकि ध्यान रखिएगा, किसी ने सही कहा है कि एक बिजनेसमैन के पास, वैसे तो बिजनेसमैन दो तरह के हैं, एक जो करिश्मा लागिन बिजनेसमैन है उनके पास तो सब कुछ है दिखाने के लिए, कैसे? उन्हें शोरूम्स खोले हुए हैं, उन्हें ऑफिसेज बनाए हुए हैं बड़े बड़े जो खुद के उनके अपने हैं, वो वहाँ जाकर लोगों को मिलते हैं, वहाँ अपना काम करते हैं तो वहाँ दिखता है। लेकिन आपके पास आपका शोरूम क्या है पता है? आपके पास यानी नेटवर्कर के पास दो तरह के शोरूम है, एक उसका हुलिया और उसका मेंटेनेंस, वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसके पास क्या रहता है, वो क्या हैंडी करता है, कैसा सही घूमता है, यानी उसका किट बैग, उसकी डायरी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो कैसे मेंटेन करता है उसे, वो उसका शोरूम है जो लोग देखते हैं, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं उससे। और दूसरा होता है उसकी गाड़ी, आप गाड़ी अच्छी मेंटेन करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो बेस भी आपको माना जाएगा कि आप एक अच्छे नेटवर्कर हो। वो समय भी आएगा दोस्तों, शुरुआत है, लेकिन वैसे आपको वो देगा, वो होगा, लेकिन जब तक कि वो गाड़ी नहीं है तो पहला शोरूम ठीक कर लिया जाए। यस सर। क्योंकि पहला शोरूम आपका किट बैग, आपका रेडी, आपका ड्रेसअप, आप कैसे लोगों से जाते हैं मिलने, राइट? इसमें डायरी होती है, लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास होना चाहिए, आपकी टीम में जितने भी लोग एक्टिवली आ रहे हैं, जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट हमेशा हैंडी रखिए, अपने पास रखिए और उनसे लगातार टचअप में रहिए, लगातार उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको समय समय पर नई नई अपडेशन देते रहिए, जो अपडेट सिस्टम से आ रहा है उन तक पहुँचाते रहिए। कई बार अपडेट ना हुआ हुआ इंसान कभी भी बाहर हो जाता है। आपने नाम सुना होगा SMT घड़ी, राइट?
यस सर क्या हुआ अपडेट नहीं कर पाई अपने आपको आज बाहर होना पड़ा मार्केट से क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं आगे निकल चुकी है और उसमें सिर्फ 18 मोबाइल पार्ट है जो आप कहाँ चले गए 5000 मेंटेनेंस ज्यादा है या मेंटेनेंस कम है और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात अगर आज हमने अपने आप को अपडेट करके वेस्टीज में शामिल नहीं किया तो एक सर्वे और भी आया है जो बड़ा खतरनाक है आने वाले 5 साल बाद 90% जॉब रोबोटिक्स ले लेंगे इंडिया के अंदर और इसका लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है अभी दिल्ली मेट्रो समझ करते हो यस सर टिकट बांटने वाले कहां गए बेचारे भाई साहब 50,000 रुपए देके लोग लगे थे उन नौकरियों पे जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां थी एक मैं भी कुछ बुक हो गई हूँ ज्यादा मैंने भी देते लेके भाग गया बंदा लग रहा है दोस्तों मैं अचानक स्टेशन पे गया डॉक्टर साहब मेरे साथ थे तरीके कनौजिया हम साथ गए हड़प पे जाते थे हफ्ते में एक बार चक्कर लगता है रमेश नगर ऑफिस जो बुधवार को हमारी मीटिंग रहती है हम जाते थे तो एक बुधवार को गए तो वहाँ टिकट लाइन में रख के लिया हमने ऐसे लेते थे लोग दे रहे थे टिकट अगले हफ्ते गए सारे टिकट काउंटर पर तो मैंने कहा मेट्रो टिकट बेचना बंद करते बिजी हो गई देखा लोग एक मशीन लगी हुई है लाइनों से मशीनों आए खड़े हैं पैसा डालो टिकट बाहर पैसा डालो टिकट बाहर क्या हो गया कहाँ गए वो बेचारे गरीब खत्म और जब हर जगह ये रोबोटिक्स आ जाएंगे तो दोस्तों वेस्टीज से बड़ा कोई सिस्टम बचेगा नहीं जहाँ पर लोगों को काम करने का रोजगार का मौका मिलेगा हमें क्या करना है अपने आपको अपडेट करना है बार बार अपनी टीम को अपडेट करना है इसके लिए हमें सीएनटीज में आना होगा सेमिनार्स में आना होगा और अपने डेली के रूटीन वर्क को बड़े तरीके से मैनेज करना होगा कि सभी के पास गिनती के 24 घंटे होते हैं उसमें काम करना है उसमें सब कुछ सीखना है सब कुछ सीखना है इसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है सबसे पहले अपने जितने भी साथी हैं उनके टारगेट्स को जरूर मॉनिटर करना है अपने टारगेट भूल जाइए अपना टारगेट सिर्फ अपने जहन में रखिए उसके एक तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे क्योंकि मैसेज सिस्टम ने एक बात कही है आपकी सफलता में हमारी सफलता तो आपको अपनी टीम की सफलता के पीछे लगना है आपकी सफलता ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी और जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होकर मैसेज में काम करते हैं वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाते और लंबे समय तक अपनी सफलताओं पर नहीं चल पाते कुछ समय तो मिल सकती है लेकिन कुछ समय के बाद जब वो आपके डाउनलाइन समझदार होंगे जब वो सीख जाएंगे सिस्टम को तब वो आपका रिगार्ड करना बंद कर देंगे तो वो बता देगा आपको कि इन्होंने उस समय कैसा किया जबकि सिस्टम में ऐसा नहीं था तो आपको टीम को हेल्प करना है टीम को सपोर्ट करना है इसके लिए उनके टारगेट्स को बार बार मॉनिटर करना है कि वो कहाँ जा रहे हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं वो कहाँ पहुँचने में चूक रहे हैं ठीक अब कुछ चीज़ें जो आपको सक्सेस के लिए हमेशा याद रखनी है वो है इन्वाइट योर प्रोस्पेक्ट्स रेगुलरली हमेशा नई प्रोस्पेक्टिंग कीजिए नए लोगों को जोड़ने का नए लोगों को स्टार्टअप कराने की कोशिश कीजिए इस बिजनेस में शांत होकर सेटिस्फाइड होकर मत बैठ जाइए चाहे किसी भी लेवल पर क्यों ना हो अगर आपने डेली रूटीन वर्क में नए लोगों को जोड़ने की कला नहीं सीखी लोगों को नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करना नहीं सीखा तो बिजनेस जीरो हो जाएगा आपकी सफलता नहीं रहेगी आपके नीचे के जो डाउनलाइन लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं जो लगातार प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं वो तो कमाएंगे आप शायद ना कमा पाओ उस कंडीशन पे तो इसलिए अपने आप को भी डेली फील्ड में उतारिए डेली नए नए प्रोस्पेक्टिंग कीजिए नए लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारियां दीजिए नए लोगों को स्टार्टअप कराइए ये डेली होना चाहिए सक्सेस के लिए इसके बाद शो पर्सनल प्लान रेगुलरली पर्सनल प्लान की बात शुरू कर चुका हूँ आपको खुद अपने प्लान दिखाने हैं और लगातार अपने पर्सनल प्लान टीम के साथ साथ अपने भी खुद की नई प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए राइट इसके बाद यहाँ पर एक काम और है ऑलवेज रिटेल द प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोडक्ट हमेशा रिटेन कीजिए जिससे कि आपका इस समय जब इनिशियल पीरियड इस बिजनेस के अंदर है जहाँ पर कि आपको बहुत सारे खर्चे मेंटेन करने पड़ते हैं अपनी जेब से आने जाने का किराया ठीक है खुद की परचेजिंग या खुद के कुछ टूल्स में इन्वेस्टमेंट करना वो सब आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं अपने उस रिटेलिंग से आप लोगों को प्रोडक्ट्स रिटेल कीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है आप उन तक पहुँचिए कोई और पहुँचे इससे पहले आप पहुँचिए तब जाके आप उस खर्चे को मेंटेन कर पाएंगे जो
ट्रेनिंग से पेड़ पे इंसान को रोकता है। बहुत सारे लोग को देखता हूँ आज भी मेरी टीम में भी है, उनसे कहो सेमिनार जाना है, सर कितने का टिकट है? मैं बोलता हूँ 1.5 लाख का मिलेगा भाई, 150 रुपये का है सर, पैसे नहीं है। वो पैसे उस 150 के चक्कर में सेमिनार मिस कर रहा है, इसकी वजह से उसे लाखों आने वाले हैं। लेकिन अगर वो उसी समय कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर रहा होता डेली, तो मतलब ही नहीं है डेली के 100-150-200 रुपये उसके पास ना बचे, अगर जेन्युइनली प्रोडक्ट रिटेल करता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए 150 रुपये महीने में निकालना, लेकिन वो भी नहीं निकलते लोगों से, क्योंकि इनिशियल पीरियड पर लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, अपनी जेब से लगाना नहीं चाहते कैसे लोग। वो बात अलग है, बहुत कम लोग हैं जो उतना आगे सोचते हैं, उसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसे मेंटेन नहीं करते। इसलिए वैसे रिटेल कीजिए प्रोडक्ट, उसके बाद मेक योर प्रेजेंस इन एवरी सक्सेस सेमिनार। पक्का कीजिए कि आप सेमिनार में होंगे ही होंगे, कोई टीम से हो या ना हो। वैसे वहाँ पर जितने वीडियोस आते हैं वो एक ही बात कहते हैं, और मैं सुनता हूँ बड़े ध्यान से, वो ये कहते हैं कि सेमिनार में हम हमेशा आए, और हम इस बात का वादा करते हैं कि सेमिनार में हमेशा रहेंगे, बस दो कंडीशन पे नहीं होंगे, या तो दुनिया में नहीं होंगे या फिर तो किसी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, किसी भाई भतीजे साला साली रिश्तेदारी शादी नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई सगाई नहीं, कोई रिश्ता पक्का हो नहीं रहा, कोई डॉगी की शादी नहीं हो रही किसी पड़ोसी की, कुछ भी नहीं। तो एक ही कंडीशन है कि अगर मैं जिंदा हूँ और अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ तो मैं सेमिनार में होऊंगा। ये कमिटमेंट कर सकते हैं अपने आपसे? Yes! अच्छा कर सकते हैं तो ये काम भी हो सकता है, आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर सफलता में एक बहुत बड़ा रोड़ा आता है हमारा कन्वर्सेशन, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा लोगों के साथ बर्ताव, हम लोगों से कैसे बातें करते हैं, हम लोगों के साथ डील करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस लोगों का है, आपके अकेले का बिजनेस नहीं है। आप लोगों से कैसे मिलते हो, कैसे लोगों से बातें करते हो, लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और इस बिजनेस में आपको हमेशा करना क्या होता है, प्रमोशन। यस कैसे लोग, चाहे प्रोडक्ट प्रमोशन हो चाहे बिजनेस का प्रमोशन हो, आपको करना होता है प्रमोशन। और प्रमोशन में एक शब्द है जिसे हम एडिफिकेशन कहते हैं। एडिफिकेशन होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू में और ज़्यादा वैल्यू को ऐड कर देना। हमें यहाँ पर वैल्यूज में ऐड करना होता है, लेकिन हम वहाँ गलती करते हैं, हम एडिफाई ठीक से नहीं करते चीज़ों को, हम चीज़ों को वो वैल्यू नहीं दे पाते जो वैल्यू वाकई में धन वैल्यू के लिए क्रिएट करनी चाहिए। आपके लिए वो स्पीमा 300 रुपये का हो सकता है, लेकिन उसके लिए सामने वाले के लिए वो 3000 रुपये का फायदे भी हो सकता है, लेकिन वो कौन बताता है, हम। लेकिन जब हम उसे किसी को सही से नहीं बता पाते तो हम ये बात मान लेते हैं वो समझ नहीं रहा कि गलती हमारी। तो हमें एडिफिकेशन बहुत स्ट्रांग बनाना है। मैंने बार बार अपनी टीम में एक मैसेज डालता हूँ, जो मेरी टीम से है वो मुझे बता सकते हैं, हर एक मैसेज में लिख कर आता है, एक लाइन लिखता हूँ मेरे मैसेजों में, वो होती है प्रमोट हार्ड। जितना हो सके प्रमोट कीजिए, जितना ज़्यादा प्रमोट हो सके उतना प्रमोट कीजिए चीज़ों को, तब जाके आप एक अच्छे नेटवर्कर बनेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, प्रमोट करना है, एडिफाई करना है योर प्रोडक्ट फर्स्ट, अपने प्रोडक्ट को एडिफाई कीजिए। जितनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू बता पाएंगे प्रोडक्ट की, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट के रिजल्ट आ पाएंगे। आपको बता दूँ रिजल्ट प्रोडक्ट के तो प्रोडक्ट के अंदर है ही, लेकिन इंसान के जो मेंटली साइकोलॉजिकल रिजल्ट है उसको आप बदल नहीं सकते। उसको बदलने का एक ही तरीका है, उसको सब सही से अच्छी एडिफिकेशन करें, उसको उसके मतलब की बातें बताएं, तो आपका प्रोडक्ट दूसरी तरीके से काम करता है। यस सर। आप यकीन मानिए, मैं ए प्रोफाइल पे जब काम कर रहा था स्टार्टअप में, तो बहुत सारे लोग मेरे पास मिलते थे, मिलने आता था, तो कहते थे भैया इसे रख दो घर पे, एक दिन यूज़ करते हैं, मालूम पड़ा है कैसा फीलिंग आ रहा है। अब मैं छोड़ देता था शुरू में, 2 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, जब जाते थे सर कोई फीलिंग नहीं आया, फिर बहुत सारे डेमो फेल हुए। फिर एक बार दिमाग में बात आई कि साथ बैठ के फीलिंग करते हैं। एक बंदे के घर गए, साथ बैठे, ऑन करा, 1 घंटे के अंदर उसको दुनिया की सारी ऑक्सीजन दिलवा दी। पता है क्यों? कि प्रीवर्जन चल रहा था और मैं बोल रहा था, उसके माइंड को वो फीलिंग्स पहुंचा दी कि वाकई में ये काम करता है, और उसने उसे ले भी लिया। Yes, sir. क्योंकि प्रीवर्जन हमारा जो है वो जबरदस्त काम करता है, अच्छी वर्किंग करता है, लेकिन इसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म पर दिखाई देते हैं, ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखा सकता। हाँ वो बात है, घर में कोई पेशेंट है उसकी जो रिकवरी होगी जल्दी से समझ में आएगा, लेकिन कोई पेशेंट नहीं है, फ्रेश एक हेल्थी फैमिली है, वहीं से लगाएंगे तो जल्दी से फीलिंग्स नहीं आती उन लोगों को। वो ऑलरेडी एनवायरमेंटल स्टडीज को जानते हैं, अच्छे से खुद को मेंटेन करते हैं हेल्थ में, इसलिए उनको फीलिंग्स नहीं आती स्ट्रॉन्ग। वो फीलिंग्स कब आती हैं, जब घर में कोई बीमार व्यक्ति आ जाए या कोई मौसम बदल रहा हो और घर में अचानक से कुछ नई वायरल्स आ जाए, तब महसूस होता है इसकी वैल्यू क्या है। जब से मैंने डेमो करना छोड़ दिया,
मैं प्रोडक्ट छोड़ता ही नहीं किसी के पास, इसको दिखाना है साथ बैठ के दिखाता हूँ, घंटे बैठ जा दो घंटे बैठ जा इसकी बिलिंग ले ले मेरे साथ बैठ, आ गई तो ठीक ये तो ओके रहता भाई भाई कोई बात नहीं जीता रहे उल्टा हम हाइप बनाते हैं किसकी प्रोस्पेक्ट की नए व्यक्ति की, सर वो तो डॉक्टर है उनके पास चलो सर वो जुड़ गए तो मेरा काम चल जाएगा, सर अपनी जगह से हिलते नहीं है सर वो आएंगे नहीं सर सर हमें चलना पड़ेगा सर वो टाइम ही 15 मिनट देंगे बस सर 15 मिनट सर आप बता देना बस बढ़िया करके अगर समझ गए ना तो मेरा काम चल गया फिर देखना कैसे चलेगा बिजनेस। तो अब जब किसी को समझ चुके हैं हम अपन में ये आता है कि बिजनेस नहीं चलेगा बेटा फिर वो तू ही चलाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद उठ के नहीं आ पाया तो क्या काम कर पाएगा सोचो, कोई व्यक्ति वैसे तो घर बैठे कर सकता है फिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है अपने अपलाइन को जिससे आप मिलवाने वाले होंगे, आप उन्हें तो करते नहीं, आप उन्हें तो लाइक ले आके बिठाते हो सामने सर ये राहुल जी आए सुनिए ना क्या कह रहे हैं, पता नहीं राहुल जी आए कौन तुमने भी कहा ठीक है बताओ भाई सुन लिया ठीक है सर बताएंगे दोस्त ओके रखना है खत्म कर, जब मेरी वैल्यू उसकी आंखों में नहीं नजरों में नहीं रह गई तो मेरी क्यों सुनेगा वो आपकी क्यों सुनेगा, तो यहाँ पर एडिफाई करना है अपने क्लाइंट्स को अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी नहीं, जितना हो सके उतना बड़ा हाइप बनाइए जितना हो सके, क्योंकि दुनिया में उसी का बोलवाला है जिसका नाम बहुत ऊंचा है, वरना तो बहुत सारे लोग टैलेंट लेके घूम रहे हैं उनका नाम नहीं है तो इसलिए उनका कोई काम भी नहीं है, हाइप बनाइए जिसको भी आप ले जा रहे हैं उसकी इतनी हाइप बनाइए कि सामने वाला सोचे कि यार मैं किससे मिलने वाला हूँ, आज वो फील आए उसके अंदर कि मेरी बॉडी में ये फीलिंग्स आ रही है कि मेरे पास प्लेजर होने वाला है, बहुत अच्छा इंसान मुझे मिलने वाला है, ये मेरा एक बहुत खास दिन होने वाला है कि मैं उस इंसान से मिलने वाला हूँ उसकी बात कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हम बल्कि वहाँ से आते हैं अपना इनके सामने उसकी इतनी हाई बना देते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाता जाते राइट। इसके बाद आगे आता है एडिफाई योर मीटिंग्स को एडिफाई कीजिए जितना ज़्यादा हो, मीटिंग्स की प्रमोशन कीजिए ट्रेनिंग्स की प्रमोशन कीजिए, कहाँ मीटिंग होने वाली है कहाँ ट्रेनिंग होने वाली है कहाँ कोई स्पेशल इवेंट होने वाला है उसको एडिफाई कीजिए ठीक। इसके बाद जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपका बिजनेस वाकई में तेज़ी से बढ़ेगा दोस्तों। अब पावर ऑफ प्रमोशन समझ लीजिए होता कैसे है, जब प्रमोशन करेंगे तो अपलाइन का प्रमोशन करेंगे तो अपलाइन हाइप पे जाएगा ऊपर जाएगा और अपलाइन जब ऊपर जाएगा तो आपको भी ऊपर लाने की कोशिश करेगा। इसके बाद आप करेंगे प्रोडक्ट की प्रमोशन तो प्रोडक्ट बोलेगा प्रोडक्ट काम करेगा रिजल्ट आएंगे। उसके बाद जब आप करेंगे कंपनी की प्रमोशन तो कंपनी की भी हाइप बनेगी और जब कंपनी की हाइप बनेगी तो लोग कंपनी को एज अ ब्रांड लेना शुरू कर देंगे। तो हमें प्रमोशन बढ़ानी है, प्रमोट हार्ड, जितना ज़्यादा हो उतना प्रमोट कीजिए, होम मीटिंग्स को प्रमोट कीजिए अपने बिजनेस में, होम मीटिंग्स भी बहुत सब रोल प्ले करती है आपको बताया, एक लर्निंग का अच्छा प्लेटफॉर्म होती है होम मीटिंग्स, आप उन्हें प्रमोट कीजिए, टीम में सबसे ज़्यादा होम मीटिंग्स कराइए ग्रुप मीटिंग्स कराइए जिससे लोग सीख सकें कि वाकई में बिजनेस में काम कैसे करना है, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म आपको प्रैक्टिकली सीखने का मौका नहीं देता। इसके बाद CNT प्रमोट कीजिए, सक्सेस सेमिनार को प्रमोट कीजिए, टेक दिस सिंपल स्टेप्स एंड सी द ग्रोथ इन योर बिजनेस, ये सिंपल से स्टेप सिर्फ प्रमोशंस को हाई कीजिए, आइडेंटिफाई करना सीखिए किसको आइडेंटिफाई करना है किस समय पर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसमें पॉइंट लगाइए इसमें दिमाग लगाइए जितना लगाना है, तब जाके आपका बिजनेस हाई फाई चलेगा और हवा में जाएगा। इसके बाद शो द प्लान, प्लान को शो करना सीखिए, एक ही काम है नेटवर्कर का वो है प्लान शो करना, अगर नेटवर्कर प्लान शो नहीं कर पाता तो नेटवर्कर नहीं है, चाहे कितना बड़ा नेटवर्क उसके पास क्यों ना हो, क्योंकि प्लान शो करना ही इसका मेन काम है। जब भी आप प्लान शो करते हैं कुछ चीज़ें मेजरली ध्यान रखिए, जब किसी घर में प्लान शो कर रहे हैं TV हमेशा ऑफ होना चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए मीटिंग में ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, प्लीज़ अवॉइड टी कॉफ़ी ड्यूरिंग मीटिंग्स, चाय कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए मीटिंग्स के बीच में, या तो पहले लीजिए या बाद में लीजिए, बीच में एंटरटेन मत कीजिए कि सर मैं चाय लेके आ रहा हूँ बैठो आप, कोई चाय भाई पहले सुन लो बात काम खत्म हो जाए उसके बाद चाय पीजिए ठीक। इसके बाद शो द प्लान नॉट टेलिंग द प्लान, प्लान को बताना नहीं होता प्लान को दिखाना होता है, ये भी ध्यान रखिए, कई लोग बड़े चतुर हो गए, मैं भी गया था मुरादाबाद तो वहाँ पर एक व्यक्ति है मेरी टीम में, एक व्यक्ति को लाए कैसे प्लान दिखा दिया मैं ठीक है बता भाई क्या दिखाया
मैंने कहा भाई क्या दिखाया उन्होंने, थोड़े बड़े दिखाए तब तक तो दिखाए। मैं फिर मेरे पास बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सात इनकम आती है, ऐसे ऐसे कर लोगे सात इनकम आ जाएंगी। मैं उसे पकड़ा ना भाई, प्लान दिखा दिया, कह रहा हाँ ये क्या बता रहे हैं, मैंने तो देख ही नहीं मिला कि काम किस पे करेंगे। फिर मैंने फोल्डर खोला उसके सामने, मैंने कहा ये दिखाया क्या सर, ये क्या है, दिखाया भी नहीं, एक पेज था प्लेन का उसमें लिख के दिखा दिया, बस ये हो गया प्लान। तो प्लान को बताना नहीं है, प्लान को दिखाना है। तो फोल्डर क्यों बनाए गए हैं, दिखाने के लिए। वो प्रेजेंटेशन क्यों बनाई जाती है, दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं। अगर बताना ही हो और सामने हिंदी में लिखा हो तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही, पकड़ा दो किताब हाथ में, पढ़ने भी है, पढ़ ले मालूम पड़ जाएगा, बिल्कुल सही, और खुद पढ़ेगा तो अच्छा समझ जाएगा। हम पढ़ के बताएंगे तो सकता है कुछ अलग तरीके से बोले, अपनी लैंग्वेज में पढ़ लेगा भाई। तो प्लान को बताना नहीं है, प्लान को दिखाना है। इसके बाद ऑलवेज मेक इट सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें, ज्यादा टेक्निकल ना हो अपने प्लान में। लोगों को समझ में नहीं आता एलओबी तो एलओबी मत बोलिए, उसे पूरा पढ़िए जो लिखा हुआ है, इंग्लिश ओवरराइडिंग बोनस लिखा है तो वो पढ़िए, ठीक है। कई लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलओबी, नए लोगों को नहीं पता है एलओबी क्या है, ठीक है। उसके बाद काफी सारे जब प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें आती हैं तो उनको अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ उसमें मेजर बेनिफिट्स क्या है जो आम भाषा में आप बता सकते हैं उतना बताइए, जरूरत नहीं है कि नोनी को मोरिंडा सिट्री खोलिया ही बोला जाए। कितने लोग जानते हैं नोनी का नाम, मोरिंडा सिट्री खोलिया कहते हैं साइंस में, अगर किसी के आगे जाके बोल दो ना तो उसे सिट्री खोलिया हो जाए। तो इसलिए मेक इट सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल साधारण भाषा में बात करें ताकि सामने वाला उसे सीख पाए। इसके बाद डोंट स्पीक एक्स्ट्रा, बी स्पेसिफिक, हमेशा जो पॉइंट है उस पॉइंट पे बात कीजिए, फालतू बातों में मत फंसिए। कहीं भी कोई भी नई रामकथा शुरू हो उससे पहले उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको अपने पॉइंट्स पर ही बातें करनी है, आपको अपने प्लान के ऊपर ही बातें करनी है। इसके बाद ऑलवेज डू फ्लेक्स ऑयल डेमोस्ट्रेशन, फ्लेक्स ऑयल का डेमोस्ट्रेशन बहुत सारे लोग नहीं करते, मैं चेक कर रहा हूँ अपनी टीम में भी, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं। प्लान जल्दी जल्दी प्लान है, ऑयल डेमो गया, आप दिखाइए उस डेमो को, जो भी समय लगता है लगाइए उसमें, उससे बेनिफिट आते हैं क्योंकि उसको देखकर बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद आफ्टर मीटिंग मस्ट डू क्लोजिंग, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लान का। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है तो ध्यान रखिए उसका प्लान सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात कही जाती है कि अंत बना तो सब बना, तो हमारा अंत यानी कि क्लोजिंग अच्छी नहीं है किसी प्लान की तो भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब क्लोजिंग कैसे करनी होती है, क्लोजिंग में सारी बॉल उसके पाले में होती है, उसे खेलने दीजिए, उसे वक्त दीजिए, खाली खुदी खुदी पूरा रेडियो बज के घर में चले जाइए कि खत्म हो गया मेरा प्लान, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया, अब उससे बातें कीजिए, उसकी मन की पूछिए क्यों करना चाहता है, कैसे लेगा, क्या लेगा, क्या करेगा, सब उससे बातें करते निकल कर आएगा कि करना क्या है। आपने बता दिया लेकिन उसके बाद उसे तो बताने दीजिए, वो मौका दीजिए उसे क्लोजिंग में, वो मौका आप देते नहीं हो। बहुत सारे देखा मैंने, पाइप बैंड करी, बंद करा, बैग पैक करा, सर थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया, आप कुछ बता देना, नहीं होता ऐसे। जो आपने ओपनिंग करी है तो क्लोजिंग भी आप ही करोगे, यस सर, तो क्लोजिंग ही मेन चीज है। एक व्यक्ति को एक घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना, कंपनी भी कहती है कि कंपनी के जितना भी मैनेजमेंट एक बार बताते हैं एक मीटिंग एक घंटा, उससे ज्यादा मीटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी प्लान की, उसके बाद तो आप टाइम पास कर रहे हो वहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। वो बात अलग है, सामने नेटवर्कर है तो उसके सवाल हो सकते हैं, लेकिन उसके सवाल भी आप सेकंड टाइम में सॉल्व करें ज्यादा बेटर है, उस समय उसको फुल्ली तरीके से आप पीछे बताएं तो उसे ऑफिस से लाने की कोशिश करें, क्योंकि फॉलोअप सेशन बाद में होता है उस समय ना करें, ठीक। टूल किट, एक किसी भी बड़े इंजीनियर के पास का टूल नहीं है तो वो इंजीनियर इंजीनियर नहीं करा सकता, वो इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास आपके लिए आपका टूल है, आपका वो किट बैग से आप तैयार करते हैं जिसमें आप रखेंगे एक प्लान फोल्डर। कितने लोग हैं प्लान फोल्डर है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के पास, ठीक, काफ़ी सारे लोग अभी उनके पास नहीं है, जो नया स्टार्टअप किया वो भी उसे ले, स्टार्टअप करें भी प्लान फोल्डर से ही प्लान दिखाया जाता है, बताया, ठीक। इसके बाद भी होना चाहिए आपके पास वॉइस मैगजीन, हमारी सफलता की कहानी जो हर 3 महीने को भी छापती है वो आपके पास होनी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, वॉइस मैगजीन हमेशा अपने पास रखें। इसके बाद आप रखें अपने पास प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने साथ हमेशा रखें, जो जनरल यूज़ के प्रोडक्ट हैं, जो होम यूज़ के प्रोडक्ट हैं आप रखें,
चाय पत्ती हुई, कॉफी हुई, टेस्ट हुआ, अपना साबुन हुआ, ये चीज़ें आप रख सकते हैं अपने बैग में हमेशा, और लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं इजीली, राइट। इसके बाद अपने साथ रखें थर्माकॉल फुल फ्लैक्स वाले डेमो, जितना कई सारे लोग जाके मांगते हैं कि घरों में थर्माकॉल है क्या, भाई कौन सा क्या काम करने वाला है अभी, है ना। इससे इसके साथ सी डी टेस्टिमोनियल्स, ये बहुत अच्छा काम करते हैं बिजनेस में। हमारे हमारे हमें सीनियर्स बताते हैं कि जब ये बिजनेस नया नया शुरू हुआ था, जब ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, उस समय काफ़ी सारे लोगों ने बिजनेस आज किया, जो आज बड़े बड़े लेवल्स पर हैं, उन्होंने टेस्टिमोनियल्स का सहारा लिया। टेस्टिमोनियल्स वो होते हैं जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं प्रोडक्ट्स के फ़ायदे, उनके वीडियोस, उनकी स्टोरियाँ वो आप सुना सकते हो लोगों को बता सकते हो उनके बारे में, तब जाके लोगों का फेथ क्रिएट होता है, फिर लोग आपके प्रोडक्ट्स परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। सीडीज कंपनी की आती है आज हर एक प्रोडक्ट की, आप उसे दिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो उसके बारे में। इसके बाद ज्वाइनिंग फॉर्म्स, ऑर्डर फॉर्म हमेशा अपने साथ रखिए, फिर बहुत सारे लोगों को देखा है ज्वाइनिंग भरते हुए प्लेन पेपर पे, भैया अपना नाम बताना, डेट ऑफ बर्थ, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, तो भाई क्या कर रहा है, उसकी रजिस्ट्री करवाएगा मकान की, फॉर्म भरवा ले, तो फॉर्म रखो अपने पास। फॉर्म ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, पूरा 20 रुपये का सेट मिलता है बस खाली, उसे रखिए अपने पास, सीखिए उससे, उसमें लोगों को भरवाइए, जब आप उसे भरना सीखेंगे लोग तभी सीखेंगे आपके। अब आगे आते हैं, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बहाने बचते हैं, सफलता की सारी कहानी वही है जो मैंने आपको बताई। इसके बाद दोबारा मिलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, दोबारा मिलने का एक रीजन भी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी हेल्प करेगा आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, आपके सीरीज और टेस्टिमोनियल्स की, आप उसे देख कर आए कि भाई इसे देख लियो, फिर बात करते हैं, अभी तो हो गया ठीक है, मेरा टाइम हो गया मुझे जाना है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो अभी यार मीटिंग का पॉइंट रहेगा, आप दोबारा मिलोगे उससे, फिर वो दोबारा आपसे सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो उसके अंदर की वो बातें निकल कर आएंगी जैसा वो चाहता है, और वैसे सिस्टम सब कुछ दे पाता है, राइट। अब आते हैं एक्सक्यूजेस की तरफ, यानी कि बहाने, सिर्फ बहाने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो सफलता मिलेगी या फिर आपको बहाने मिलेंगे, बस एक ही बहुत है, एक ही बहुत है सर, एक ही बहुत है। बहुत सारे बहाने जो लोग बनाते हैं बिजनेस के अंदर कि मैं बोल नहीं पाता, मैं बोल नहीं सकता, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। जबकि आपको बता दूं, किसी भी इंसान ने, जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो उसने बैटिंग करने से पहले कभी बैटिंग की नहीं होगी, सीखा ही होगा। कभी अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग की नहीं होगी, सीखा ही होगा। तो आपके पास भी पूरा मौका है लाइफ में सीखने का, तो ये बिजनेस आपको सिखाता ही है और सीखने का ही बिजनेस है। इसके बाद बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, आई हैव मनी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूँगा। भाई पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बिजनेस करना है, ये पैसे की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा नहीं, उसे खत्म करेगा, तभी तो इसे करना है। इसके बाद बहाना आता है नंबर 3, टुडेज क्रिकेट मैच या फैमिली फंक्शन, आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, आज मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊँगा, आज फैमिली में फंक्शन है मैं नहीं आ पाऊँगा। भाई वो सब तो बाद में हो भी जाएगा और जिंदगी में दोबारा भी आएगा, लेकिन आज का दिन चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आज में जियो और आज को जियो। इसके बाद आता है यहाँ पर बाना नंबर 4, नेल कटिंग सेरेमनी ऑफ नेबर्स डॉग, एक जोक है एक तरह का, ये पड़ोसी के कुत्ते के नाखून काटते हैं उसे पकड़ना पड़ेगा, वो काटेंगे मैं पकड़ूंगा, ऐसे बाने लोग बनाते हैं ना, इधर पड़ोस में वो है ना, उनके घर जाना है जरा, उनका काम है कुछ, भैया उनका तो काम है, तुम्हारा क्या काम है, अपने काम को फोकस करो, अपने सक्सेस को फोकस करो, तब जाके सक्सेस मिलेगी। उसके बाद आता है आई हैव अटेंडेड मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार मीटिंग अटेंड कर ली सर, अब तो मुझे आ गया, लेकिन उनसे अपनी मीटिंगें नहीं होती आज में, तो फिर क्या सीखा, क्या आया। तो दोस्तों सीखना तो बढ़ेगा, उस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। People don't listen my advice, लोग मेरी बात नहीं सुनते, भाई लोगों को सुनाने के पैसे मिलते हैं, लोग नहीं सुनते यानी कि आपको सुनाना नहीं आता, आप सुनाना सीखिए, मीटिंग्स में आइए, ट्रेनिंग्स में आइए, फिर लोग सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसा किसको मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएगा, ठीक है। सुनने वाला वक्त जब ट्रेनिंग में हो तब, सुनाने का वक्त जब, जब आप मीटिंग में फील्ड में हो तो आपको सुनाना है, राइट, इसी बात के पैसे आपको मिलने वाले हैं। के बाद बहाना नंबर डाउनलाइंस, डोंट यूज प्रोडक्ट अटेंड प्रोग्राम, मतलब हमारे डाउनलाइंस ना तो प्रोग्राम्स में आते हैं ना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहेंगे डाउनलाइन
फिर कहेगा डाउनलाइन, उन्हें डाउनलाइन नहीं बना दिया, उनसे आप प्रोडक्ट भी यूज नहीं करा पा रहे, उनको आप प्रोग्राम में भी नहीं ला पा रहे, तो कहेगा डाउनलाइन। भूल जाइए, नए प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, नए लोगों पर जाइए, नए लोगों को पकड़िए, नए लोगों के साथ काम कीजिए, तब जाके वो दोबारा यूज करेंगे, तब जाके वो ब्रिक्स पाएंगे जब वो सीरियस हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आगे बहाना, आगे अप्लाइंस प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग अप्लाइंस से प्रॉब्लम है भाई, एक ही काम नहीं हो सकता इसके अंदर, अपलाइन भी बताया जा सकता, डाउनलाइन तो नया ला सकते हो, अपलाइन तो गॉड गिफ्टेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, दुनिया में वही लोग ज्यादा परेशान है जो अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो गॉड गिफ्ट है, उसकी किस्मत में लिख कर आया था आपका अपलाइन बनेगा और वो बन गया, अब आपको पसंद आए या ना आए वो तो अपलाइन है और मानना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप उसके साथ काम करना पसंद ना करें तो उसके ऊपर भी अप्लाई ना उसके काम करें, क्योंकि ये बिजनेस आपको आजादी देता है अपने ग्रोइंग अप्लाई को कुछ चुनने की, अपने गुरु को अपने उस्ताद को कुछ चुनने की आजादी देता है। ऐसा नहीं कि आपके जिसने आपका फॉर्म बनवाया वही सब कुछ करवाएगा, भैया वो नहीं करे कोई बात नहीं, वो नहीं कराए, लेकिन उससे ऊपर जो लोग सफल हैं वो लोग आपकी बात करने को तैयार हैं, सिर्फ आप उन तक पहुँचिए तो सही, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, वो बिजनेस को इस मामले में नहीं करते कि भाई वो मेरा अपलाइन था वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा मैं क्यों करूं, जबकि अपलाइन तो वही है जो बिजनेस में काम कर रहा है, तो नहीं कर रहा वो तो अपलाइन है, उसके बाद सोचना क्या, लेकिन अपलाइन को बदला नहीं जा सकता, नाम तो जुड़ गया राइट, मैं तलाक का सिस्टम भी नहीं है ठीक। उसके बाद है डोंट अटेंड सक्सेस सेमिनार, सक्सेस सेमिनार अटेंड नहीं करते बहुत सारे लोग, असफलता है बहाना है, ये बहाना है बहुत बड़ा, लोग कहते हैं उसी में को जाना उसी में कहीं जाना, भैया कहीं भी जाना हो अगर सफलता चाहिए तो सेमिनार में आना पड़ेगा, 3 घंटे का सेमिनार 3 घंटे में निकालने पड़ेंगे, ये सारे बहाने, रिजल्ट एक लाइन में आता है इसका, सिर्फ एक लाइन में रिजल्ट है, दुनिया में हर एक सफलता का रिजल्ट एक ही लाइन में, मेक एक्सक्यूज या फिर मेक मनी, यानी कि या तो पैसा बनेगा या बहाना, के अलावा कोई तीसरी चीज बनने वाली नहीं है। एक बात सोचो, शर्म करो बहाना बनाने से, मैंने एक लाइन लिखी है, जब कोई लोहे का काम करके टाटा बन सकता है, जब कोई जूतों का काम करके बाटा बन सकता है, तो हम निकलने की बैठे हैं भैया, लोहे वाले को लुहारी कहते हैं, जूते वाले को मोची कहते हैं, कह के देख लो इन दोनों को मोची और लोहा, तुम्हें ना दिखाई प्यार दे तो भैया पावर है कि बनी है इसी काम को करके, हम क्यों नहीं करते, सिर्फ वाहनों के प्रति हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, हम उसमें घुसे हुए इसलिए नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक बात कही है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है इतना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, अदरवाइज तो जो करते हैं वो करके चले जाते हैं राइट, तो करने की कोशिश कीजिए, इंतजार मत कीजिए, प्लानिंग मत कीजिए, सिर्फ फील्ड में आइए और काम कीजिए। इसके बाद कुछ बहाने के एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, ये दुनिया के अच्छे बॉडीबिल्डर्स में माने जाते हैं, ये व्यक्ति कुछ कमी दिखती है क्या, लेग राइट लेग पोलियो, सीधा पैर नकली है, एक पैर ना होते हुए भी बॉडीबिल्डिंग दिखानी, बॉडीबिल्डिंग की और बनकर भी दिखाया, यहाँ पर तो सब कुछ है, 10 की 10 उंगलियाँ, दोनों हाथ पैर सलामत, हमारी बॉडी सलामत, फिर हम क्यों नहीं करते, फिर हम क्यों बहानों में उलझे, ये भी तो बहाना बना सकते थे, ये भी तो कह सकते थे मेरा एक पैर ही नहीं है कैसे करूं, कभी तो थी बॉडी बिल्डिंग, बनना तो था बॉडी बिल्डर, बनना था बहुत बड़ा हैवी वेट चैंपियनशिप में जाना था, लेकिन पैर ही नहीं है तो कैसे करूं, लेकिन वो ना करके इंसान ने ठानी, तब जाके वो हैवी वेट चैंपियनशिप में गया और बॉडी बिल्डर बन के दिखाया। अगर ये व्यक्ति ये सोच लेते कि मेरा तो एक पैर नहीं है मैं साइकिलिंग कैसे करूंगा, जबकि दुनिया में इनका भी नाम है साइकिलिंग के अंदर, राइट, एक फास्ट साइकिलिस्ट कहलाते हैं दुनिया में, इस व्यक्ति ने भी वो बहाना नहीं बनाया जो इंसान बना सकता था, जो बड़ा आसान था, बहाने बनाना बड़ा आसान होता है, आप बहाना बनाइए बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन बाद में उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इस व्यक्ति ने बहाना नहीं बनाया
सिर्फ मेहनत की तो अपने उस सपने को पूरा किया जो एक टाइम से भी कर पाया, जो दो व्यक्ति दो टाइम वाला व्यक्ति नहीं कर पाता, सबसे फास्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप में गया। और सबसे बड़ी बात इन सर की, इनके पास तो दोनों ही पैर नहीं है लेकिन दुनिया के बहुत अच्छे स्प्रिंटर्स में नाम आता है। स्प्रिंटर्स को तो सबसे ज्यादा 30 दौड़ सकता है। हुसैन बोल्ट का नाम सुना है? हुसैन बोल्ट के वालिद के नाम। ये व्यक्ति के दोनों पैर नहीं है, दोनों आर्टिफिशियल है। उसके बाद ये व्यक्ति स्प्रिंटर है, बहुत तेज ओलंपिक्स में दौड़ते हैं और बहुत सारे मेडल्स भी जीत चुके हैं। सिर्फ बहाने या सफलता, बहाने या पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके आगे एक व्यक्ति ब्रायन एक्टन, नाम सुना होगा ना? नहीं सुना? व्हाट्सएप सुना? क्या है व्हाट्सएप? क्या है व्हाट्सएप? एक मैसेंजर ऐप। किसने बनाया? ब्रायन एक्टन ने बनाया। और दोस्तों इनकी कहानी बड़ी ही लाजवाब। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तब ये फेसबुक के पास गए थे अपना प्रोजेक्ट लेकर कि सर मैं एक ऐप बना रहा हूँ, उस ऐप में इतनी बड़ी खासियत होगी कि उससे अभी के अभी मैसेज भेजोगे अभी के मैसेज रिसीव हो जाएगा और अभी के अभी आपको मालूम भी पड़ेगा उन्हें पढ़ा नहीं पढ़ा, उन्हें रिसीव किया नहीं किया, बहुत सारे फीचर्स बताए। उसके बाद फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया, फिर फेसबुक से नौकरी मांगी कि मुझे नौकरी दे दो, मैं आपके यहाँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी कर लूँगा, तो फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया। तब जाके इस व्यक्ति ने ठाना कि मैं एक ऐसी ऐप बनाऊंगा जिसे फेसबुक को फेल कर दूंगा। आज हो गया फेल, लेकिन जानने वाली बात यह है इसकी बैकग्राउंड की, इस व्हाट्सएप को एक दिन फेसबुक को खरीदना पड़ा था इस ब्रांड एक्टर ने। इसके बाद ऑफ्रे विंफ्रे, एक ऐसी लेडी जिसके बारे में कहा जाता है बॉर्न टू ए हाउसमेट एंड कोल वर्कर, एक कोयले की माइन में काम करने वाले, कोयले खदान में काम करने वाले व्यक्ति के घर में ही पैदा हुई, उस परिवार से रही, एक हाउस में घर में काम करने वाली लेडी रही। इनके साथ थोड़ी दुखद घटना घटी, इनका रेप हुआ 9 साल की उम्र में और फिर अगेन रेप हुआ 13 साल की उम्र में, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं रुकी। इसके बाद भी उन सारे चैलेंजेस को फेस करते करते ये जब प्रेग्नेंट थी तब इनकी एज थी 14 साल की और वो भी सिंगल मदर विदाउट हस्बैंड, राइट। उस समय भी ये हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने कर दिखाया वो कारनामा जो शायद ही कोई करता था। 32 साल की एज में इन्होंने अपना नाम लिखवा लिया अपने देश के सबसे बड़े मिलेनियर्स में। इनका नाम है ऑफ्रे विंफ्रे, सबसे बड़ी क्वीन ऑफ ऑल मीडिया कहलाती है बीबीसी के अंदर। ये सबसे बड़ा कोई टॉक शो होस्ट करता है पूरी ऑल ओवर बीबीसी के अंदर तो वह है मिस ऑफ्रे विंफ्रे। एक बार इनके जोरदार तालियां। पर बहाने बन सकते थे, यहाँ पर बहुत कुछ खोया जा सकता था और खो चुका था। उसके बाद ये उठी और उठ के चलना शुरू किया। एक इसके बाद ये व्यक्ति कर्नल सैंडर्स, इनका नाम इनको जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने चिकन लिया है दिख रहा है चैलेंज में स्माइल आ रही है चिकन का नाम नहीं बहुत सारे लोगों। आपको बता दूँ ये व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंज क्या, रेसिपी कौन रिजेक्टेड 100,000 टाइम्स, 1,009 बार इनकी रेसिपी जो रेसिपी उन्होंने बनाई चिकन की वो फेल हुई थी कि कई जगह गया उस रेसिपी को लेकर तब वो फेल हो गई थी। इसके बाद गॉट 5 सेंट्स पर चिकन फ्रॉम द रेस्टोरेंट, एक चिकन में एक रेस्टोरेंट में काम किया यहाँ पर सिर्फ 5 सेंट यानी 5 रुपये मिला करते एक चिकन बनाने के इनको। लेकिन एक दिन 9 साल के बाद एक बार इनके दिमाग में एक बात आई कि मैं कैसी रेसिपी बनाऊँगा जो रेसिपी पूरे वर्ल्ड वाइड पसंद करी जाएगी। तब जाके इन्होंने एक ऐसी रेसिपी बनाई जो आज तक कोई भी चिकन मेकर बीट नहीं कर पाया ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, वो है KFC आउटलेट। आप जानते हैं KFC के 600 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं ऑल ओवर USA के अंदर ओनली, इंडिया में तो सारे हो गए मालूम ही नहीं। लेकिन इनकी एज थी उस समय 60+, तब जाके इन्होंने सोचा तो सफलता किसी में एज भी मिल सकती है, आप करने वाले होने चाहिए, तो आने बहुत सारे हो सकते थे जिंदगी भर कुछ नहीं हुआ तब क्या होगा, इन करा तब जाके आज कर्नल सेंडर है। वॉलमार्ट का नाम सुना होगा? वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्ट कह सकते हो जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है अवेलेबल। इसे बनाया सैम वॉल्टन ने, गिरिला पैटर फार्म फैमिली में थे ऐसे जहाँ पर कि सिर्फ पशुपालन हुआ करता था या फिर खेती हुआ करती थी। उसके बाद न्यूज़पेपर भी डाले लोगों के घर में, ऐसा काम भी किया। लेकिन एक दिन एक दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन खोल दी जिसे वॉलमार्ट के नाम से लोग जानते हैं। ये कर पाए तो सिर्फ सैम वॉल्टन, बहाने भी बन सकते थे मैं गांव का हूँ
इनके साथ कौन आएगा, कौन काम करेगा, कैसे होगा। और सबसे बड़ी खास बात इनके साथ ये है टॉम तरीका स्टीफन हॉकिंग। ये हमारे सबसे बड़े फिजिसिस्ट कहलाते हैं, यानी भौतिक शास्त्री कहलाते हैं पूरी दुनिया के, और बड़ा चैलेंज इनके साथ। ये अपने आप चल भी नहीं पाते, अपने आप मिल भी नहीं पाते, ये अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय ब्रेन के। पूरी बॉडी पैर ठीक है, पूरी बॉडी का नंबर ब्रेक डाउन हो चुका है, और आज से नहीं है, जब से है तब से ऐसे ही है। फिर भी सबसे बड़े साइंटिस्ट बने क्यों? क्योंकि यहाँ से जो विकलांग हो गया वो पूरा विकलांग हो जाता है, वो पूरी बॉडी में कहीं भी विकलांगता आ जाए, यहाँ ना आए तो इंसान सफल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ विकलांगता मत लाइए, अपने आप को स्मार्ट बनाइए, आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहाने मत बनाइए। जेके रॉलिंग का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग हैरी पॉटर को पसंद करते हैं। आज हैरी पॉटर एक ऐसी सीरीज जिसको हमने बार बार देखा, बार बार सुना, वो क्या है? वो एक ऐसी पुस्तक जिसको लिखा जेके रॉलिंग ने, एक ऐसी लेडी जो भी सिंगल मदर थी विदाउट हस्बैंड अपने देश में, उसके बाद फाइट करी, फाइट करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लेखिका कहलाती हैं, सबसे महंगी कोई लेखिका दुनिया के अंदर है तो वो है आज जेके रॉलिंग। सिर्फ बहाने हैं, सफलता यहाँ पर है। ये चाहते तो बहाने बन सकते थे, ये चाहते तो नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, लेकिन उसके बाद भी करा। जैक मा, आज इंडिया में भी बड़ा नाम चल रहा है जैक मा का। Alibaba.com सुना होगा, सबसे बड़ा फैशन स्टोर ऑनलाइन किसने बनाया? जैक मा ने। कितनी सारी जॉब से निकाला गया, रिजेक्ट किया गया, पता है 30 जॉब से रिजेक्ट हुए, इंक्लूडिंग KFC में जाके जॉब मांगी थी एक दिन, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। तब जाके इस व्यक्ति ने अपने लिए खुद का एक ऐसा स्टोर खोला ऑनलाइन, जो आज दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन फैशन स्टोर माना जाता है, उसका नाम है Alibaba.com। वॉल्ट डिज्नी सब लोग जानते होंगे, मिकी माउस देखा है, यकीन मानना ये व्यक्ति जब तक जिंदा भी रहता इनका सपना पूरा हुआ। लेकिन उस सपने के लिए कितने सारे काम, कितनी मेहनत इन्होंने करी, तब जाके अपना सपना पूरा किया। वो सपना था डिज्नी वर्ल्ड बनाने का। दोस्तों ये व्यक्ति भी हार मान सकते थे लेकिन मानी नहीं। जब इन्हें अपना बिजनेस शुरू करना था, एक रुपया जेब में नहीं था, बहुत सारे बैंकों से लोन की अप्लाई किया और बहुत सारे बैंकों ने मना कर दिया। इवन कहा जाता है कि इनके स्टेट का कोई भी ऐसा बैंक नहीं बचा जो इनको जानता नहीं था कि ये व्यक्ति से बात में फाइल ले घूमता है लोन लेने के लिए। लेकिन जब इन्हें लोन मिला और जब इनका वो सपना पूरा हुआ, तो वे दुनिया में तो नहीं थे लेकिन आज दुनिया जानती है वॉल्ट डिज्नी को, क्योंकि डिज्नी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, आज सबसे बड़ा फन पार्क है, जहाँ पर कि हर इंसान को जाना जाता है जो पेरिस में है, राइट। इसके बाद आते हैं जिम कैरी, सबसे बड़े कॉमेडियन दुनिया के, बिल्कुल बेकार इंसान जो स्कूल में फेल हुए, कॉलेज में फेल हुए, यानी बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट, जो फेलियर स्टूडेंट था, उसके बाद में सबसे बड़ा कॉमेडियन बना जिम कैरी। सबसे महंगा जो कॉमेडियन दुनिया में है वो है जिम कैरी आज, राइट। इसके बाद आते हैं रिचर्ड ब्रांसन की कहानी ये है कि दुनिया में जब कुछ भी नहीं मिला इन्हें, लेकिन मानना वो समझता है कहानी लिख दी दुनिया में कोई लिख नहीं सकता। आज सर के बाद अपना खुद का एक देश है, अपना खुद का एक आइलैंड है, और दुनिया में सबसे बड़ी एयरलाइंसों में नाम आता है वर्जिन अटलांटा का, वर्जिन एयरलाइंस, उस एयरलाइंस के मालिक है सर आज। जबकि शुरुआत ऐसे समय पर हुई थी जब एक पोरली स्कूल में परफॉर्म किया, और दुनिया में डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी है इससे पीड़ित रहे, एक खतरनाक बीमारी, उसके बाद भी उन्होंने उठे और काम किया और आगे बढ़े। सिर्फ बहाने के लिए दोस्तों, या तो बहाने बनेंगे या पैसा बनेगा। सो गुड लक, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, और इस पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम सेलिब्रेशन पार्ट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को सेलिब्रेट करेंगे जिन लोगों ने हमारे साथ